हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकपीडिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से सीरीज स्टार्ट होने जा रही है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की। इनमें पहले T20 सीरीज होगी 3 मैचों की, देन ODI सीरीज, देन आपके शायद 2 टेस्ट मैच है। तो काफ़ी लंबा टूर है मेरे ख्याल से। 2016 के बाद अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये दौरा करने जा रही है लंका का काफ़ी समय बाद। सो आइए बात करते हैं, मतलब बात करेंगे सीरीज़ के बारे में कि हमें इस सीरीज से क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन जीत सकता है, और सभी जितने भी इसके एक्सपेक्ट्स हैं इस सीरीज़ के वो सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भैया सेनापति कौन है और सेना कौन है। तो सेनापति हैं दशुन शनका, ठीक है। शनका जो है काफ़ी शंका डाल देते हैं उनमें कई बार। प्रथम निशंका काफ़ी अच्छे उनके ओपनर बल्लेबाज हैं, मतलब स्लो खेलते हैं बट स्टेबिलिटी देते हैं। मैं आपको मेरी प्रोबेबल 11 बता देता हूँ, क्योंकि 18 प्लेयर्स के बारे में बात करने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं ओपनिंग कराऊंगा प्रथम निशंका और धनुष्का गुणथिलका से। वन डाउन में कराऊंगा कुशल मेंडिस से। 4 पे मैं खिलाता असलंका को। 5 पे राजापक्षा। 6 पे शनका। 7 पे चमिका करुणारत्ने, जो कि आपका बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, बॉलिंग में मार खाऊ बॉलर हैं लेकिन बैटिंग में ये सही रोल प्ले कर लेते हैं। 8 पे मेरी टीम पे होंगे हसरंगा, जो कि प्रॉपर ऑलराउंडर है मेरे हिसाब से। श्रीलंका के जितने ही बैट्समैन हैं उनमें सब में तमीज से खेलने वाले एक बल्लेबाज हैं, इनको शायद आप अगर बैटिंग में भी ऊपर फिट कर सके तो बेटर होगा, नो डाउट। 9 पे मैं खिलाऊंगा दुष्मांत चमीरा को। 10 पे आपका थीक्षणा को। और 11 पे इनको एक पेस बॉलर खिलाना पड़ेगा। आप ये खिलाएंगे पति राणा को, जो हमने चेन्नई सुपर किंग में देखा उनको खिलाएंगे, या कसुन रजिता को खिलाएंगे, या नुवान तुषारा हैं, या प्रवीण जया विक्रमा जो है ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हो गए, नहीं फिंगर स्पिनर ही कह रही है। अब देखो इनके पास हसरंगा और थीक्षण अगर हो गए हैं तो मेरे ख्याल से अब जरूरी नहीं है कि स्पिन की भीड़ लगाई जाए। तो आपको 3 फास्ट बॉलर चाहिए ताकि आप डेथ में भी रन रोक सको। अब टॉप ऑफ द ऑर्डर आप स्टार्ट भी स्विंग वगैरह अगर है तो वो ले लें। वैसे भी कोलंबो में बारिश का मौसम चल रहा है अभी, तो मतलब आपको चाहिए कि बॉलर जो है फास्टर आपके पास रहें, तो वो आपको दोनों जगह ऑप्शन देते हैं। तो मेरे ख्याल से रजिता और फतिराना में से कोई एक बॉलर जिनको आप चाहें वो तो खिला सकते हैं। फतिराना जो है वो मलिंगा की तरह बॉल करते हैं, मलिंगा इस समय उनके बॉलिंग कोच हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए वो जी काफ़ी हेल्प करेगी। अब देखते हैं वो क्या कराते हैं। ये टीम खिलाने से नंबर 10 तक बल्लेबाजी होती है। चमीरा तो आपने देखा था IPL में क्या बढ़िया हिट मारते हैं, मेरे ख्याल से इनको ग्रूम किया जाए तो बहुत अच्छे ऑलराउंडर ये बन सकते हैं। बॉलिंग में तो ज़बरदस्त करते ही हैं, बैटिंग में भी ये कैपेबिलिटी फुल रखते हैं कि ये प्रॉपर ऑलराउंडर बन सकते हैं। थीक्षणा को हमने देखा है हिट करते हुए, यानी कि वो अच्छा बल्ला लगा लेते हैं। अब 11वां नंबर जो खिलाते हैं, खैर वो हाथ की जरूरत पड़नी चाहिए भी नहीं। सो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्क्वाड है, अपने घर में खेल रहे हैं तो एक फॉर्मेटेबल साइड है। बेटर होता अगर ये लोग कुशल परेरा को भी खिलाते, क्योंकि कुशल परेरा जैसा बल्लेबाज T20 में अगर नहीं खेल रहा आपकी टीम में तो फिर आप क्या कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की। आरुण फिंच एक नंबर के घटिया तरीन प्लेयर, मैं तो कब से इनको देख रहा हूँ कि इन्होंने अच्छी पारियाँ एक गलती से अभी IPL में खेल दी। उसके अलावा वर्ल्ड कप फ्लॉप गया, बिग बैश इनका फ्लॉप गया, बिग बैश शायद उनका लास्ट वाला भी फ्लॉप ही गया था मेरे ख्याल से, तो वो रन बनाते ही नहीं है। नहीं, ये वाला विकेट ठीक गया था, उससे पिछला विकेट फुल फ्लॉप गया था इनका, फुल फ्लॉप जिसको बोलते हैं। IPL में फुल फ्लॉप गया था, दुबई में खेले थे जो। इस बार इनको KKR ने खरीद लिया, एक पारी खेली बाकी फुसी बम। कप्तान मैंने भैया माफे की मर्जी हो तो क्या नहीं हो सकता है कि नहीं। शॉन एबर्ट ऑलराउंडर हैं। चलो यहाँ भी बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। तो मेरे हिसाब से फिंच और वॉर्नर ओपनिंग करेंगे, हालांकि मैं तो फिंच को ना खिलाऊं लेकिन जो खेलने वाले हैं वो तो यही है। वॉर्नर और फिंच ओपनिंग करेंगे। वन डाउन मेरे ख्याल से मिच मार्श, देन आपका इनमें ये लोग शायद से स्टीव स्मिथ को रेस्ट देंगे मेरे ख्याल से। 4 पे इंग्लिश, 5 पे मैक्सवेल, 6 पे आपका स्टोनिस, देन आपके आते हैं इनके 5 जो बॉलर हैं, एशन एगर, जॉश हेजलवुड, स्टार्क, जेर रिचर्डसन, और आपका मेरे ख्याल से एक होंगे आपके ये सैप्सन हो सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका के पिचेस पे सैप्सन जो है स्पिन कराते हैं, तो लाइक जैम्पा का लाइक एंड लाइक उनको रिप्लेसमेंट मिलता है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इनकी स्क्वाड जो है वो श्रीलंका से बेटर है। और बात करें अगर वेन्यूज़ की, तो कोलंबो जो है वो जनरली जो है ना बैटिंग फ्रेंडली रहता है जनरली,
और फर्स्ट बैट को पर वो थोड़ा सा हेल्प करता है। ये ट्रेडिशनल रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अब जो पिच बनेगी वो ऐसी बनेगी। आप जानते हो ग्राउंड में 5 से 7 पिच होती हैं, वो किस पिच पे कौन सा मैच करा दें वी नेवर नो। पर ये है कि अगर एक बार अच्छा स्कोर बन जाता है ना, 170 समथिंग स्कोर बन जाता है, तो वो डिफेंडेबल स्कोर बन जाता है। हमने ये इंडिया और श्रीलंका के सीरीज में देखा था कि जो उसको पहले बन जा रहा था वो टीम को डिफेंड कर ले रही थी, या डिफेंड की कंडीशन में पहुंच जा रही थी, उसके बाद में उड़ता है माफिया की सपोर्ट से तो कुछ नहीं कर सकते आप। पाले के लिए जो है वो ज़्यादा बेटर विकेट है कोलंबो से, दोनों इनिंग में लगभग सेम तरह से खेलता है। पाले के लिए अगर आपको याद हो लास्ट के कुछ मैच मेरे ख्याल से इस बार के पाले के लिए में हुए थे, जब ये आपका लंका प्रीमियर लीग हुई थी, तो अच्छे मैच बने थे। वैसे भी जनरली मैंने देखा है वहाँ पे अच्छे मैचेस ही बनते हैं। बात करें ओट्स की, तो ये मैंने कल लिया था, ये 49.50 पैसे का ऑस्ट्रेलिया फेवरेट ओट्स ओपन हो रहे थे, आज गिर के 45-46 हो गया मेरे ख्याल से। सो क्लियर सी बात है, लोगों की पसंद, मार्केट की पसंद जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, उसमें कोई ज़्यादा डाउट वाली बात है भी नहीं। अब इसमें क्या है कि क्या इसमें कमाई के साधन है? देखो ऑस्ट्रेलिया तो बैक करना बनता नहीं नोट्स पे, आप लंका को पकड़ सकते हो थोड़ा सा नीचे अगर जाती है तो, देखेंगे कि पिच वगैरह क्या बनाते हैं ये लोग उसी हिसाब से। बट अगर आप बात करें कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे ओट्स की हेरा फेरी पसंद है, यानी कि अल्टा पल्टी मुझे ओट्स पसंद है। मुझे सीधा ऑस्ट्रेलिया का जीतना उतना समझ में नहीं आता। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है गाइस, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है लिंक पे क्लिक करके ही मुझ तक आए, या तो मेरे यूजर नेम है @askvinus टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर लें, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज से मेरा लिंक ले सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप किसी फेक जगह पहुंचो, कि आप सर्च करो टेलीग्राम में और फिर आप किसी फेक चैनल में पहुंच जाओ। अब बात करते हैं कि सीरीज की प्रेडिक्शन क्या है। देखो ज़्यादातर चीज़ जो है ना डिपेंड रहने वाली है वो पिचेस के ऊपर, कि श्रीलंका पिच कैसी बनाती है। आपको याद होगा लास्ट ईयर बांग्लादेश ने बुलाया था ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में, और कैसे टंगड़ी मारी थी इनको, कि पिच बना दी मट्टी एकदम, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले रो रहे हैं। 130 का स्कोर बन रहा है और भाव जो है तब भी 50 पैसे बंद हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का, तो आप अंदाजा लगा लो कि कितना मार्केट में खौफ था पिचेस का। तो अगर लंका ने भी ऐसी विकेट बनाई जो कि स्पिन फ्रेंडली हुई, तो उनका बहुत अच्छा चांस रहेगा ये सीरीज जीतने का, क्योंकि अपने घर में कहते हैं ना कुत्ता भी शेर होता है, फिर लंका वाले तो फिर भी आदमी है। मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि जो श्रीलंका है ना वो टफ फाइट देगी ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि मैच में रहेगी, आएगी और ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत जाएगी। हाँ लंका भी जीत जाए तो वो बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं है, पर मुझे T20 सीरीज लंका का जीतना पसंद नहीं है। मुझे ये है कि जो लंका T20 में जितना बेटर खेलेगी उससे कहीं बेटर वो वनडे में खेलेगी, बिकॉज वो ज़्यादा सूट करेगा उनको, बाकी तो माफिया की मर्जी है। बट मुझे ये पसंद है कि T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीते, वनडे सीरीज देन आपका या तो 3-2 से रह जाए जो भी इनका है, मेरा 3 मैचों के 2-1 से रह जाए ऑस्ट्रेलिया, या फिर 2-1 से लंका जीत जाए। मुझे वहाँ लंका की समझ में आ रही है एज। अगर ऑल एंड ऑल कहूँ बात, तो ये एक अच्छी सीरीज मुझे लग रही है ऑन द कार्ड्स, कि ट्रेडर्स जो लोग जो है पैसा बना सकते हैं इसमें। 3 मैच हैं और 3 मैच वनडे के हैं। एक मैच मेरे को ऐसा पसंद है जैसा अगर आपको याद हो घोष जैकपॉट टाइप मैच, जैसा एक बार श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया था और इंग्लैंड के अंदर 204 रन डिफेंड कर लिया था, तो कुछ वैसा मैच बन जाए तो आप हैरान मत होइएगा। सो इन चीज़ों पर नज़र रखिएगा। मेरे हिसाब से मैक्सवेल का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है श्रीलंका के खिलाफ, तो ड्रीम इलेवन वाले बंदे जो हैं फैंटेसी वाले वो उसको पिक कर सकते हैं। बाकी वॉर्नर का भी रिकॉर्ड मेरे ख्याल से ठीक ठीक ही है उनके खिलाफ। चलो ऑल एंड ऑल जो भी रहेगा मैच टाइम अपडेट करेंगे हम लोग टेलीग्राम के अंदर, बाकी थोड़ी देर में जो है हम इंडिया वाली सीरीज का प्रीव्यू भी अपलोड करेंगे। इस सीरीज के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि आपने जो है कुछ भी ऐसा सोच के नहीं चलना है दिमाग में पहले से कि यार हम तो घोड़ा ही उड़ाएंगे या हम तो ऑस्ट्रेलिया बैक कर चलेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करिए, पिच को देखिए, वेदर वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बारिश का मौसम चल रहा है। अब DLS से आपके पता लगा आपके पैसों की ऐसी तैसी होगी तो हो गया काम ना, उस पर एक नज़र रखिएगा। बारिश है तो अपना जो लिमिट है फिर कम यूज़ कीजिएगा, या फिर मत किए उसको मैच को स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डाउट में रहने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। चलिए बाकी मिलते हैं आपसे इंडिया वाली वीडियो में। गुड बाय।